हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिविर टाइनी वर्ल्ड। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ सरस आजीविका मेला 2023 की ये वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सरस आजीविका मेला की टाइमिंग कब से कब तक लगा है, कहाँ पर लगा हुआ है और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सरस आजीविका मेला 2023 लगा हुआ है लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 गुड़गांव में। एंड ये आप इंजॉय कर सकते हो 26 अक्टूबर 2023 से लेकर 11 नवंबर 2023 तक। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ इसकी टाइमिंग्स। तो ये आप इंजॉय कर सकते हो सुबह के 11 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक, जो यहाँ की एक ऑफिशियल टाइमिंग है। थोड़ा सा आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि यहाँ पे मेनली हाथ से बनी हुई चीज़ें यानी कि हैंडमेड चीज़ों की बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं। साथ में बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा यहाँ पे फूड कोर्ट है, जहाँ पे आप इंडिया के वेरियस कल्चर यानी कि वेरियस स्टेट का फूड इंजॉय कर सकते हो। एज़ यू नो कि इंडिया इज़ अ रिच कल्चर कंट्री, जहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के यू नो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट वर्क आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी तरह का खाना आपको देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ों का एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन है सरस आजीविका मेला। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि अपॉर्चुनिटी देता है टू एग्जिबिट देयर एक्सेप्शनल स्किल्स, मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड एस्टैब्लिश इनवैल्यूएबल कनेक्शन विद पोटेंशियल मार्केट प्लेयर्स। तो बेसिकली ये जो मेला है वो चलाया है, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो जनरली यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया गया है। देर आर सो मैनी वुमेन्स फ्रॉम द रूरल एरियाज़ जो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स उन्होंने लगाई हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड जॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। और ये जो मेला है वो 17 डेज के लिए रन करेगा। इस मेले की सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो है वो एंट्री है वो कम्प्लीटली फ्री है, पार्किंग फ्री है। तो आप सड़क पर गाड़ी ना लगाएं, प्रॉपर इसकी पार्किंग में गाड़ी लगाएं। बहुत सारे तरह के अट्रैक्शन यहाँ पे थे कि जैसे इस तरह से छोटा भीम और आई डोंट नो ये चुटकी हम कहेंगे या रानी इंदुमती कहेंगे, वो घूम रही थी और लोग स्पेशली बच्चे जो है उनके साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कर रहे थे। देन यहाँ पर था ये एक किड्स जोन यानी कि किड्स एरिया जो कि बच्चों के लिए कम्प्लीटली फ्री था। बच्चे यहाँ पर कितनी भी देर इंजॉय कर सकते हैं, बट यहाँ पे पेरेंट्स का अंदर जाना अलाउड नहीं था। एक दो उन्होंने इस तरह से वर्कर खड़े किए हुए थे जो बच्चों का ध्यान रख रहे थे, और पेरेंट्स बाहर से पूरा निगरानी रख सकते हैं बच्चों पर, बट उनको अंदर जाना अलाउड नहीं था। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर जो फूड कोर्ट था, एंड यहाँ पे एक ही प्रॉपर फूड कोर्ट था जहाँ से आपको कुछ काउंटर्स बनाए हुए थे जहाँ से आप रिचार्ज करवा सकते हो, एंड आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा और वो आप क्यूआर कोड पर्टिकुलर फूड जॉइंट्स पे जाके वहाँ पे स्कैन करा के एंड वो लोग वहाँ से आपके डिश का ऐड कर देंगे और वहाँ से वो माइनस हो जाएगा। अगर आपका जो उसमें जो कोड है उसमें अगर कुछ पैसे बचते हैं तो वो ईज़ीली आपके रिफ़ंड हो जाएंगे, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो हमने वहाँ पे बहुत सारी तरह तरह के वड़ा पाव, डाबेली एंड बहुत सारे यू नो डिफरेंट स्टेट्स के भेलपुरी, मुंबई की भेलपुरी, ये सब इन्जॉय किया। तो इस मेले में अप्रॉक्सीमेटली 800 वोमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं और डिफरेंट 28 डिफरेंट स्टेट्स से अक्रॉस द कंट्री, यहाँ पर उन्होंने अपनी हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और होलसेल नेचुरल फूड आइटम्स ये सब रिप्रेजेंट किए हैं। बहुत सारे यू नो स्टेट्स का आपको यहाँ पे डांस देखने को मिलेगा। तो इट्स अ कम्प्लीट यू नो इन्जॉयबल, यू कैन शॉप हेयर, यू कैन इन्जॉय द वेरियस फूड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ये मेले में ज़रूर जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़, मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज।